2019 में उनको भारी पड़ने वाला। चलो चलो बीबी उसके सामने मुझे टारगेट करके उनसे कुछ हासिल नहीं। मेरी स्पीच का कोई भी पार्ट प्रोवोकेटिव इंस्टिगेटिंग नहीं है। तो फिर आप इतना डिफेंसिव क्यों हो रहे हैं? अरे भाई हम क्यों डिफेंसिव है, मस्त बल्लेबाजी कर रहे हैं। वहाँ मैं कोरेगांव में था, दलितों पर जिस तरह से महिलाओं को मारा गया, पीटा गया, बच्चे पीटे गए, आप उससे एक दिन पहले थे, आप पर केस दर्ज हुआ, आपको नहीं लगता कि एक उमर खालिद मुसलमान है, जिग्नेश मेवानी एक दलित है, इसलिए इसको केस कर दो ताकि ये ना बोले? देखिए सारे वो लोग जो जन आंदोलन के साथ जुड़े हैं, जो किसान और मजदूर की बात करते हैं, दलित या आदिवासी की बात करते हैं, माइनॉरिटीज की बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज की बात करते हैं, उन सभी को एक से बाद एक करके टारगेट किया जा रहा है। पत्रकार भूमि की तरह या गौरी लंकेश की तरह किसी की हत्या कर दी जाती है, नजीब की तरह किसी को गायब कर दिया जाता है, भीम आर्मी के चंद्रशेखर की तरह किसी को जेल में डाल दिया जाता है, जिग्नेश मेवानी के ऊपर मुकदमा दर्ज होता है, हार्दिक पटेल को राजद्रोही बोला जाता है। तो सारे वो लोग पिछले 3-3.5 साल जो जनता की लड़ाई से ऊपर उठे उन सभी को टारगेट किया जा रहा है। मेन स्ट्रीम मीडिया कह रही है कि ये अंग्रेजों की जीत थी, दलित इसका जश्न क्यों मना रहे हैं, एंटी नेशनलिस्ट है। अरे जिनको जो बोलना वो अरे चलो भाई साहब, हम तो कानून और संविधान के दायरे में रहकर ही बात करेंगे, पूर्ण रूप से संविधान लागू उसकी बात करेंगे, जितना टारगेट करना वो करे, मुझे गलत तरीके से टारगेट करना उनका काम है, जनता की बात करना वो मेरा। दो छोटे छोटे सवाल, पूरे देश में पहली बार बहुजन लोग जिसमें SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग हैं, युवा हैं, मैं महाराष्ट्र देख के आऊँ, सड़कों पर निकल रहे हैं, जिग्नेश मेवानी का उनका समर्थन है? बिल्कुल समर्थन है, और मेरे साथ स्टेज पे प्रकाश अम्बेडकर थे और सोनी सोरी थी और राधिका वेमुला जी थी, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस PB साबंत थे, बॉम्बे हाईकोर्ट के जस्टिस पुलसे पाटिल थे, इन सभी मंच के ऊपर थे। टारगेट जिग्नेश मेवानी का, इसलिए कि 2019 में भारी पड़ने वाला है। जो आरोपी हैं दो जिन पर हमला का आरोप लगा है, उनकी तस्वीरें वायरल हो रही है, CM के साथ, PM के साथ, क्या प्रतिक्रिया देंगे? मोदी जी तो उनके पैर ही छूते हैं, उनका वीडियो अवेलेबल है। तो जो लोग भड़काऊ भाषण करते हैं सचमुच में, जो हिंसा के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उनके मोदी जी पैर छूते हैं। जिग्नेश मेवानी, क्या पेशवाई जो दुर्गति की गई पेशवा राज में वहाँ, और जो आधुनिक तरीके से कास्टिज्म होता है, जो 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 जनरल कैटेगरी के लोग हैं जिस तरह से शोषण करते हैं यूनिवर्सिटीज़ में, कैंपसेस में, ब्यूरोक्रेसी में, मीडिया में, शेड्यूल कास्ट के एंकर नहीं है आज तक, रिपोर्टर नहीं है, क्या आप इस बात से पीछे हट रहे हैं या आपको लगता है कि आज भी पेशवाई तरीके से कास्टिज्म होता है? देखिए जाति व्यवस्था हर कीमत पे इस देश में से खत्म होनी चाहिए, क्योंकि भारतीय समाज के हर एक अंग में जाति एक ऐसा कीड़ा है जो किसी को नहीं छोड़ता, भारतीय समाज के हर एक कोने में, हर एक अंग में है। इसीलिए हम लोग प्रधानमंत्री जी को मिलना चाहते हैं कि सर कुछ बोलिए, आप सोशल जस्टिस के मुद्दे आपकी पोजीशन क्लियर करिए, मनुस्मृति को लागू करना चाहते हैं, संविधान को लागू करना चाहते हैं, इसीलिए 9 तारीख को दिल्ली में रैली करेंगे। 9 तारीख की रैली में क्या आपके मोदी जी को लेकर आपके मोदी जी से क्या मांगे? यही मांगे कि भी ऊना न हो, न सहारनपुर हो, न भीमा कोरेगांव का इंसिडेंट हो, न नजीब गायब हो, न भीम आर्मी के चंद्रशेखर को जेल में डाला जाए। मोदी जी पर मोदी जी पर अंबेडकर भक्त कहने के बाद दलितों की पिटाई होती रही, मजाक उड़ाएंगे उनका, मजाक का पात्र।